कुछ लोग कहते हैं कि कुरान को तफसीर से पढ़ना एक आम आदमी का काम नहीं है, उसे 15वां उज्र हासिल करना पड़ता है। 15वां नहीं, 15 15वां उलूम नहीं, 15 उलूम, ऐसा बाज लोग कहते हैं। लेकिन कोई एक नाम आदमी बताए कि जिसको 15 उलूम आते हो, तो फिर क्या कोई भी ना पढ़े? और फिर पूछा जाएगा जब कोई भी ऐसा नहीं है तो ये तफसीर करने वाले को आते हैं कि नहीं आते हैं? तफसीर करने के लिए उलूम चाहिए, पढ़ने के लिए नहीं। पढ़ने के लिए एक आदमी को उर्दू भी आती हो और अरबी आती हो तो काफी है। एक आदमी आलिमों ने तफसीर किसके लिए लिखी है? आलिमों को तो अरबी आती है, फिर उर्दू में तफसीरें लिखी किसके लिए गई है? ये अवाम के लिए लिखी गई है ताकि अवाम इसको पढ़े। तो तफसीर पढ़ने के लिए 15 उलूम नहीं चाहिए, तफसीर पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, तफसीर पढ़ने के लिए पढ़ना आना चाहिए, और तफसीर करने के लिए 15 उलूम या जितने भी उलूम चाहिए चाहिए, लेकिन तफसीर पढ़ने के लिए इतनी उलूम की जरूरत नहीं है, तफसीर लिखने के लिए चाहिए।